जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जो ये हमारी वीडियो पिछली वीडियो की एक्सटेंशन है, कंटिन्यूएशन है। क्वेश्चन नंबर वन हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, अब हम क्वेश्चन नंबर टू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर टू आप पढ़ लें, इसमें लिखा है कि अगर सैम्पल साइज 54 कर दिया जाए विद रिप्लेसमेंट, क्वेश्चन नंबर वन के कॉन्टेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर वन के कॉन्टेक्स्ट में आपको एन की वैल्यू 54 दी है, म्यू हम पिछले सवाल में निकाल चुके हैं 4, और सिग्मा हमने निकाला था 1.6। अब हमें कह रहा है कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्स बार ग्रेटर देन 4.1 बट लेस देन 4.4, इसका मतलब है 4.1 से ऊपर और 4.4 के नीचे। तो मैंने लिख दिया कि हमें सवाल में दिया है कि एक्स बार हमारा 4.1 और 4.4 के दरमियान है एक्सक्लूसिव, ना 4.1 शामिल है और ना ही 4.4 शामिल। इस सवाल के आगे कंटिन्यूएशन में कह रहा है कि मेजरमेंट जो है वो नियरेस्ट टू द टेंथ है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जिस सवाल में नियरेस्ट का लफ्ज़ आ जाए तो वहाँ पे करेक्शन फैक्टर अप्लाई करते हैं। करेक्शन फैक्टर निकालने के लिए नियरेस्ट के बाद वाला लफ्ज़ टेंथ यानी 1/10, जिसको डेसिमल में लिखा जाए तो 0.1/2 कर दिया जाएगा, तो ये आपके पास 0.05। इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव में आप एक्स बार की वैल्यू में करेक्शन फैक्टर कैसे अप्लाई करते हैं, लोअर वैल्यू में CF ऐड होता है और अपर वैल्यू में CF माइनस। ये वैल्यूज़ प्लस और माइनस की तो आपके पास एक्स बार की नई वैल्यू आ गई 4.15 और 4.35। अब आपको इन एक्स बार से जेड बनाना है। जेड का फार्मूला हम पिछले सवाल से करते आ रहे हैं, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। ये एक्स बार की दो वैल्यूज़ हैं तो दो बार लिखा जाएगा। इनमें वैल्यूज़ पुट कर दी, पहली एक्स बार की वैल्यू 4.15 थी, दूसरी 4.35 थी। इसको सॉल्व करके जेड वन की दो वैल्यूज़ आ गई। इन दोनों जेड की वैल्यूज़ पर आप जब प्रोबेबिलिटी जेड के टेबल से देखेंगे 0.6 में जाकर 0.08 पर, तो आपको प्रोबेबिलिटी ये नज़र आएगी। 1.5 में जाकर 8 पे देखेंगे तो ये नज़र आएगी। बिटवीन के केस में आपको बताया था कि आंसर निकालने के लिए लार्जर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करना पड़ता है। इसको माइनस किया, आपके पास आंसर आ गया 0.1912, यानी कि 19.12% ऑफ द मीन विल फॉल अबव 4.1 एंड लेस देन 4.4। तो ये मैंने आपको कमेंट करने का तरीक़ेकार बताया था कि किस तरह से कमेंट करते हैं, अपने आंसर लिखते हैं और आगे का जुमला आप सवाल में से ही नोट कर लें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर टू हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो आपने ख़ुद करना है। क्वेश्चन नंबर वन ही की तरह होगा, बिल्कुल सेम। वहाँ पे तीन वैल्यूज़ दी थी, यहाँ पे 5 वैल्यूज़ दी हैं। पॉपुलेशन में 2, 4 और 6 था वहाँ पर, यहाँ 2, 2, 4, 6, 6 है। दो बार 2 आ रहा है, दो बार 6 आ रहा है। तो लिहाजा मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने क्या करना है कि आपने जो पॉपुलेशन जब लिखनी है तो आइडेंटिफाई करने के लिए 1, 2 और 1, 6 के ऊपर आप डैश लगा देंगे। कैलकुलेशन में ये 2 ही है यानी आप, लेकिन जब पॉपुलेशन बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये वाला 2 कौन सा और ये वाला 2 कौन सा है। ये वाला 2 जब आप सैंपल बनाएंगे तो 2, 2 बनाएंगे, फिर 2, 2 डैश बनाएंगे, फिर 2, 4 बनाएंगे, फिर 2, 6 बनाएंगे और फिर 2, 6 डैश बनाएंगे, ताकि आप जब कैलकुलेट करें तो आपको पता लगे कि ये वाला सैंपल अलग है और ये वाला सैंपल अलग। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपने ख़ुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इंशाल्लाह फिर आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू का कमेंट आपको ये लिख कर बताया है। क्वेश्चन नंबर 2 का कमेंट इस तरह से अपने आंसर को लिखा और उसके बाद आपने आगे का जुमला सवाल से उतार कर लिखना है। कमेंट करने का तरीका आपसे क्लास में कई बार डिस्कस हो चुका है। थैंक यू।